कि ये सनातन धर्म भगवान के संत के घर में भेद नहीं है तो आपके घर में भी भेद मत रखना, यानी छुआछूत मत रखना। ये आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक मामला है। समानता नहीं रखोगे, सम्मान नहीं दोगे तो आपको साथ कोई नहीं देगा। इसको गंभीरता से लेना। आप अब सम्मान नहीं दोगे, समानता नहीं दोगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा, फिर तड़पते मरते। इस बात को मानसिक हमारी विकृति उसको निकालो। हम पांच आदमी यहां बैठे हैं, उदाहरण के तौर पर एक ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसको देख करके हमारा मन बड़ा दुखी हो रहा है, ये चीज मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। एक भाई ने हिम्मत की, तुम्हारे लिए मैं उठाता हूं, तुम परेशान हो या गंदगी है, बदबू आ रही, कोई बात नहीं, मैं उठाता हूं। तो उसने कितना बड़ा उपकार किया, उसे घृणा करनी चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए। उसने उपकार किया समाज पर और उसको गले लगाना चाहिए, उसको धुतकार रहे हो आप। आप वही हो पर मानसिक विकृति कितनी भरी है और ये कितना आने वाले समय में खतरनाक काम होगा। आप वही हो जब होटल में खाते हो, आप अपने ढंग से जीते हो। मैं आपके जीवन की व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं जा रहा हूं, पर मैं आपको तर्क दे रहा हूं। आप वही हो जो होटल में खाते हो, उस थाली में कौन खा के गए आपको कोई प्रकार की घृणा नहीं हुई, हुई कोई तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ होटल में खा रहे हो, कौन उस थाली में अभी खा के गया तुरंत दो मिनट पहले, और इस थाली में कौन खिला रहा, कौन बना रहा, कौन परोस रहा, आपको कोई घृणा नहीं हो रही। और जैसे घर में आए आपकी मानसिक विकृति, आप पागल दीवाला पर कि आपके अंदर घृणा हो गई, क्यों भाई आप तो वही थे। नहीं नहीं साहब, मैं तो होटल तरफ पानी पीने खाऊ नहीं खा रखी हूं, खा रहे तुम्हारे बड़े बेटे की बात हो रही है। होटल में उस बिस्तर पर तू आराम से सो रहा है, तुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, घर में आके तू अलग तू बिस्तर रखा है, ये तेरी मानसिक विकृति नहीं तो क्या है। कोई गरीब मेघवाल भील आएगा तो तुम्हें बिठा दोगे आप, और कोई पढ़ा लिखा होगा तो क्या बिठाओगे, ये मानसिक विकृति नहीं तो और क्या। ये मानसिक विकृति आपके लिए बहुत घातक होगी आने वाले समय में। अब समानता चाहिए, सम्मान चाहिए। यदि तुम्हें बचना है, राष्ट्र को बचाना है, आपकी संस्कृति को बचाना है, सबको बचाना है, तो इस बात को गंभीरता से लेना। मैं एक संत के नाते आपके सामने मेरी भाव प्रकट कर रहा हूं। भगवान और सबरी के बेर राम खा सकते हैं, रामदेव जी डाली बाई को साथ में रख सकते हैं, बापू जी चंदा डांबे को साथ में रख सकते हैं, संत के घर में भेद नहीं है, मीरा अपना गुरु बना सकती है, तो हम कौन से इतने बड़े हो गए। और ये मानसिक विकृति हमारी हमें बहुत दूर बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। वो भाई हमारा जिसने हमारे लिए त्याग किया और आज भी वो तिरस्कार झेल रहा है, आज भी वो अपमान झेल रहा है, कब तक झेलेगा। अब नहीं झेलने की क्षमता उनके पास, अब वो नहीं झेल सकता, झेल लिया जिस स्थिति में झेला पर अब नहीं झेल सकता है। अब आप इस बात को गंभीरता से समझना, अपनी इस मानसिक विकृति को शुद्ध करना। सत्संग में आते हो तो फिर भेद किसी बात का नहीं, आप सत्संगी हो ना तो तुझ में मुझ में सत्संगी वही है जो भेद रहित बात है। ब्राह्मण में चांडाल में कुत्ते में गाय में मैं ही हूं ये दर्शन करे तब गीता में भगवान ने कहा कि मुझे देख पाएगा। सत्संगी हो तो भेद छोड़ देना, नहीं तो बस यहां तक के सत्संगी हो गले तक के, और यहां तक के सत्संगी हो कानों तक, किसी ने अच्छा गा दिया, किसी ने अच्छा सुन लिया, फिर कुछ नहीं। संतों की बात सुनोगे, भजन में जाओगे तो भेद मत रखना। मीरा ने नहीं रखा तो आप ही मत रखना। भजनी तो मीरा थी, रैदास थे, सूर थे, कबीर थे, भेद रखा हो तो बताओ। भजनी तो रामदेव जी महाराज थे, रामापीर थे, भेद रखा हो तो बताओ। तो ये भेद हमारे लिए भ्रम है और इस भ्रम को नहीं तोड़ोगे तो मर जाओगे। भगवान करे आप सबको सद्बुद्धि दे और आप सन्मार्ग पर चले, आप बचोगे, राष्ट्र बचेगा, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय ताकतें इस आपको तोड़ेगी, इसलिए कि देश को तोड़ना है। पार्टी की बात नहीं है, मोदी जी के आने के बाद
देश ने ग्रोथ किया, दुनिया में बड़े स्तर तक जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया की महाशक्तियों के कान खड़े हो गए, अरे ये वो इंडिया वो यहां था, ये कैसे उछाल रहा कि ये आदमी आगे आएगा तो हिंदुस्तान उतर जाएगा, ये आदमी किसके बलबूते पर आ रहा, उनको तोड़ो। हाँ ये ठीक है, ये जो लोग हैं इनके बलबूते पर इनको बांटो। तुरंत उनकी नजरें ऐसी पहुंची है कि तुम तुम्हारे राष्ट्र को बचाना चाहते हो, तुम्हारे समाज को बचाना चाहते हो, तुम्हारी संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो अपनों को समझो और अपनों को